खुल गया। अब मैक कंपनी के पास अल करम शोरमा सेंटर अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यही ऑफिस से करीब ही मिल जाएगा आपको आपके पसंदीदा फूड। इस अल करम क्रिस फूड की खासियत ये है कि ये यहीं तैयार किया जाता है। इस शॉप का चिकन बड़ी ही सफाई से बनाया जाता है। यहाँ जरूरत के हिसाब से हर डिश मिलेगी, जैसे फ्रेंच फ्राइज, चिकन नुगेट्स वगैरह कम दामों पर। जल्द ही आए और अलग अलग डिशों का आनंद उठाएं। हमारा पता है 1/2 मैक कंपनी फायर ब्रिगेड के सामने मुम्ब्रा। हमारा पिन कोड है 4612। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए क्रिस फूड की वेबसाइट पर जा सकते हैं या गूगल सर्च से भी ऑर्डर दे सकते हैं। हमारे यहाँ 300 रुपए के ऑर्डर पर डिलीवरी मुफ्त दी जाएगी और 2 किलोमीटर के अंदर भी फ्री सेवा दी जाएगी। बहुत बड़ी समस्या चल रही है। एक गार्डन वहाँ पर दिया भी गया था अलमाज के पीछे, लेकिन उसकी भी दुर्दशा जो है खस्ता हाल पड़ी हुई है। आज आप यहाँ शिमला पार्क के गार्डन में खड़े हो और यहाँ पे भी एक नोटिस लगाई गई है करीब अप्रैल 2023 में कि इसको जो है सुंदरीकरण किया जाए, लेकिन 5 महीने हो गए हैं अभी तक इस गार्डन को जो है सुंदरीकरण नहीं किया गया है। क्या कहेंगे आप, आज आपने सर्वे किया? देखिए, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बता दूं कि ये सर्वे करने का मकसद मेरा ये था कि कल मैं आया हुआ था शिमला पार्क में कुछ काम से और मैं अंदर गार्डन में घुस गया और घुसने के बाद मैंने देखा कि जो यहाँ पे जो बच्चों की जो खेलने की चीज़ें होती है, जैसे पिस्टल गुंडी हो गई है, झूले वगैरह है, ये जो इसकी जो ये है मजबूती है, हालत है, वो तो मुझे ऐसा लगा कि बदतर से बदतर है। बच्चे बेचारे, यानी एक बच्चों को खेलने के लिए एक सुविधा होनी चाहिए गार्डन के अंदर, जो कि मुम्ब्रा में कोई गार्डन के अंदर ऐसी सुविधा नहीं है। और कोई बोल नहीं सकता कि हमारा गार्डन बहुत अच्छा है। ठीक है, टीएमसी ने एक तो एक गार्डन जो था उसको रोड चौड़ा करने की वजह से उसको तोड़ दिया गया था, जो कि वही एक थोड़ा ढंग का लगता था। जब हमारे मरहूम कारगिनकर साहब जिंदा थे तो वो उसकी पूरी देख रेख करते थे। ठीक है, अभी शिमला पार्क में जो गार्डन है उसकी हाल तो आपने खुद भी देखा है और मैंने कल खुद देखा है, जो कि यहाँ पर जो फाइबर की फिसलगुंडी वगैरह है इसको लोखंड की होना चाहिए, ना कि फाइबर की, क्योंकि वो धूप की वजह से वो खुद पिघल के टूट जाती है। सेकेंड बात रही यहाँ पे जो नशड़ियों का आतंक है, मैंने 3 दिन पहले भी एक रात में विजिट किया था और एक वीडियो मेरे पास है भी, जो बच्चे लोग यहाँ पर जो आते हैं और जो नशा वगैरह जो कर रहे हैं, ये गार्डन फैमिली के लिए होता है, ना कि ये चांदनगर और अमीनाबाग और मित्तल ग्राउंड बनाकर इसको रख दिया है। तो ये सब चीज़ पर टीएमसी को पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए और मेरी थाने महानगर पालिका से रिक्वेस्ट है कि आपके अंडरगट में आने वाला ये गार्डन है और आपकी ही ऑफिस के और कार्यालय के जस्ट रस्ते में ही आने वाला एक गार्डन है, आपको नहीं दिखता है किसकी हालत क्या है? मुम्ब्रा का एक सबसे अच्छा गार्डन कहा जाता है ये शिमला पार्क का, और यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी भी दिखाई गई कि यहाँ पर कैंटीन भी है और यहाँ पर स्टाफ रूम भी है, लेकिन देखा जाता है कि स्टाफ रूम कम और नशेड़ियों का अड्डा ज्यादा है। ठीक है, अभी मेरे आने से पहले आपने देखा, स्टाफ रूम का मतलब होता है कि वो स्टाफ उधर पे जो सुरक्षा गार्ड होते हैं वो रूम उनका होता है, लेकिन ये रूम तो किसी और का हो गया है। तो इस चीज पर थाना कमिश्नर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज पर पूरा ध्यान दे। और आप मेरे पीछे ही देख सकते हो ये जो झोपड़ा बना हुआ है, ये क्या है? ये कसाईवाड़ा का बना के रखा है इन्होंने। ये गार्डन है कि क्या है? इसमें फैसिलिटी होती है, खूबसूरती होती है गार्डन में, लोग आते हैं फोटो वगैरह लेते हैं, तो ये क्या फोटो लेंगे कि ये झोपड़ा देखने आ रहे हैं लोग? तो इस चीज पर टीएमसी ध्यान नहीं देती है। आसिम भाई, यहाँ पर बच्चों की बात तो ठीक है, बच्चों के लिए गार्डन बनाया गया, पर बच्चे यहाँ दिखाई नहीं देते हैं, यहाँ पर कपल्स दिखाई देते हैं, इस बारे में क्या कहोगे? ठीक है, कपल्स है जो भी है वो अपनी जगह है, लेकिन बच्चों के लिए जब इधर पे सुविधा नहीं है और उन्होंने कपल्स के लिए अगर यहाँ पे ओट्टे बना के रखा है तो कपल्स तो आएंगे ना, जब बच्चों के लिए सुविधा नहीं है। अभी आप पीछे दिखा सकते हैं कैमरा, उतने छोटे छोटे बच्चे जो कि खेलने आए, अगर फिसल गुड्डी में फंस जाते हैं, उनको कहीं चोट लग जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जबकि ये थाना महानगर पालिका के अंडर में आता है और जो लोग यहाँ के ये है नगर सेवक है, उन्होंने कई बार बताया कि लेटर वगैरह डाला है, 18 अप्रैल का कुछ इधर पे वर्क ऑर्डर निकला हुआ है, आज से 18 अप्रैल से जोड़ो 6-7 महीना ऐसे ही हो गया, बारिश भी निकल गई। से वाकिफ है कि कुछ वक्त पहले इस गार्डन को नीलाम करने के लिए मतलब ऑफर्स दिए गए थे कि कोई एनजीओ अगर चाहे तो इसे अपने अंडर ले सकता है, तो मेरे ख्याल से तो क्यों ही एनजीओ मुम्ब्रा का सामने आकर किसी एनजीओ ने इसे हैंडओवर लेने की बात की नहीं, तो उसका कारण आप बता सकते हैं क्या होगा? जब थाने महानगर पालिका ही उसको नहीं संभाल पा रही है तो एनजीओ कैसे संभालेगी? आप बताओ ना, उसका रेक देख, उसका वर्क ऑर्डर जो आता है, उसका जो पेमेंट निकलेगा हर साल का, जो टेंडर होता है, वो एनजीओ को दे पाएंगे? जब थाने महानगर पालिका खुद नहीं कर पा रही है तो एनजीओ वालों को देकर क्या बदनामी करेंगे? आप पीछे की आपकी बात काट के बताऊं, आप पीछे का तालाब ले लो, उसके अंदर कितने डीएनएच के लाइन खोल दिए गए हैं,
देखो ना पीछे से टॉयलेट के पानी आ रहे हैं, उसमें जो मच्छी फिश वगैरह है वो डेड हो जाती है, मर जाती है, अंदर बोर्ड की हालत खस्ता हो चुकी है, वो सब देखिए ना किसके अंडर में, वो प्राइवेट दिया हुआ है तो ये हाल है ना। उनका टेंडर जब आप पूरा नहीं करोगे तो वो लेने से तो लोग डरेंगे ना, फिर उनके ऊपर एक दबाव होगा। हाशिम जी यहाँ पे कैंटीन भी हम देख रहे हैं इस गार्डन के अंदर, तो ये कैंटीन का जो रेंट है वो आपके हिसाब से किसको जाता होगा? कैंटीन का जो है वहाँ के टीएमसी के कुछ अधिकारी आते हैं लेते होंगे, क्योंकि मैंने अभी जो टेंडर जिन्होंने लिया था इधर तालाब का उससे मेरी बात हुई थी, उनका कहना ये है कि वो लोगों को ही जाता है। अब बाकी इधर पे क्या क्या हो रहा है वो तो मुझे पता नहीं है, मतलब दो चीज मुझे पता है, एक चीज अच्छी नहीं है, एक नशा होता है, दो चीज मुझे पता है। आशिम भाई जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों के खेलने का जो है झूला भी लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे आप बाजू में देखेंगे तो जो है इसके अंदर पैसे लेके बच्चों को जो झुलाते हैं, ठीक है ये जो झूले वगैरह लगे हुए हैं, जब इनका ठाणे महानगर पालिका की ये अंडर में आने वाली चीजें जब अच्छी नहीं है तो उनको प्राइवेट रखकर थोड़ा बहुत उनको करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 50 रुपए की चीज है तो वो 20 रुपए में चला रहे, 10 रुपए में चला रहे, थोड़ा बच्चों को प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है वो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट लिया होगा तो वो कम पैसे में उन लोगों का काम चल रहा है। उतना पैसा नहीं हो पाता कि जितने की चीज आ जाए। आपने अगर देखा होगा तो फला में जो